पीआर कैसे मिलेगी या प्रोग्राम करूंगा तो? पीआर इज नॉट प्रोग्राम डिपेंडेंट एट ऑल। कुछ भी स्टडी कर लो, किसी ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पीजी डिप्लोमा किया है, किसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का किया है, पीआर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस आर्ग्यूमेंट कि आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इससे पीआर नहीं होगी, उसका पीआर से क्या लेना देना है? इट हैज नथिंग टू डू विद पीआर। फॉर पीआर जॉब, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे, फॉर पीआर पीपल आल्सो कंसीडर कि इसके बाद जो जॉब मिलेगी उसी से पीआर मिलेगी। नो, इट इज आल्सो नॉट ट्रू। Whatever job you do, if it is above supervisor or above level, NOC 0AB, it is considered in PR. Irrespective of your education background, irrespective of your experience background, whatever job you are doing in Canada, it will be eligible for PR. It doesn't matter what you studied in. My own cousin, he studied civil engineering. He did BTech from Chandigarh in civil. Some experience, I guess. Did project management in Fanshawe, I guess, in civil, everything, construction management, civil. So he had civil background. Now working is, I guess, BMO bank in Canada. क्या हाँ मतलब कनाडा की education जो civil में है, construction में है, working in bank now. Okay, building बना रहा है bank की. He's in finance now. तो जिसको यहाँ पे ये लगता है कि इसके बाद मुझे जॉब क्या मिलेगी और उस जॉब के बाद पीआर कैसे होगी, एवरीथिंग विल बी डन, वापस कोई नहीं आता वहां से। पीआर सबकी होनी है, वेदर इट इज थ्रू पीएनपी, वेदर इट इज थ्रू टीआर टू पीआर, वेदर इट इज थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। जिनकी एज 35 से नीचे है उनकी तो डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में ही हो जाएगी, उनको तो वैसे ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो उनको ये टेंशन कि पीआर कैसे होगी वो तब होगी, पहले स्टडी वीजा लगेगा तब पीआर होगी, तो वो स्किप नहीं कर सकते। तो जिसको वो टेंशन है वो टेंशन रखनी भी नहीं चाहिए, वो सबकी होगी। जॉब की टेंशन नहीं रखनी चाहिए, सबकी लगेगी, हर बंदा पैसे कमाता है। जो अनपढ़ है ना वहां पे, अभी वो सीरिया वाले भी पहुंचे हैं वहां 40,000, उनको तो कुछ नहीं आता, वो भी जाके वहां पे जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, शायद इनसे ज्यादा कमा ले पढ़े लिखो से, पॉसिबल, क्योंकि वो ट्रक चलाएंगे, ट्रक चला के ज्यादा पैसे कमा लेंगे, ठीक है। सो पैसे सब कमाते हैं, सो जॉब की टेंशन बेकार है अगर किसी स्टूडेंट को वो टेंशन है तो। सबको ये लगता है कि टेक्निकल प्रोग्राम करेंगे तो जॉब अच्छी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो टेक्निकल लेके अगर वीजा ही नहीं मिलेगा तो जॉब कहां से मिलेगी। दूसरा, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल करके स्पेशल कुछ हो जाएगा, बिकॉज इफ स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर टू लर्न देन यूट्यूब इज देयर, यूट्यूब पे सब कुछ है फ्री में, यही सीख लो अगर सीखने के लिए जा रहे हो तो। क्योंकि जा किस ले रहे हैं, 20 लाख किस ले लगाए हैं कनाडा पहुंचने के लिए, उस पर फोकस करो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।